आम आदमी पार्टी के अपने विधायक श्री कपिल मिश्रा द्वारा और लगातार खुलासे हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका नाम बदलकर काप कर देना चाहिए, क्योंकि ये अब आम आदमी पार्टी नहीं रही बल्कि केजरीवाल आदमी पार्टी बन गई है और लगातार काप के पाप का घड़ा फूट रहा है और उस फूटे घड़े में से जो पाप की आवाज़ें निकल रही हैं उसका कोई केजरीवाल जी जवाब नहीं दे रहे और उस पाप की गठरी को कोई और नहीं इनके अपने विधायक खोल रहे हैं और उनका कोई हिसाब भी नहीं है और हिसाब यहाँ तक नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को कुछ और अमाउंट बताया जाता है, डोनेशंस किसी और नाम से आती हैं और लगातार भ्रष्ट सरकार के भ्रष्ट कारनामे सामने आ रहे हैं। मैं और दिल्ली की जनता यही जानना चाहते हैं कि इस पाप के फूटे घड़े से जो कराहट की आवाज़ें आ रही हैं उसका जवाब केजरीवाल जी या मिस्टर करप्ट कब देने वाले हैं। बड़े संगीन आरोप हैं, हम लोग ये बहुत देर पहले से कहते आ रहे थे कि ये सच है। शेल कंपनियों के रास्ते से अरविंद केजरीवाल और उसकी कंपनी ने करोड़ों रुपए इकट्ठा किया है, ये इल्ज़ाम सवा दो साल पहले भी दो कंपनियां सामने आई थी। आज जिन कंपनियों के नाम आए, जो दो MLO के नाम आए, शिवचरण गोयल के और मिस्टर यादव के, ये दोनों MLA अपनी सफाई नहीं दे पा रहे क्योंकि उनके परिवार के लोग इन कंपनियों में शामिल हैं और इसके माध्यम से 30 से ज़्यादा करोड़ रुपया कंपनियों से शेल कंपनियों में डालकर और पार्टी अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया। यही वह पैसा है जो विदेशी फंडों से, विदेशी लोगों से लिया गया और ये फंड उन लोगों से लिए गए जो देश को तोड़ना चाहते थे।